पासा। जाल में फंसे इमरान खान, अब गुलाम बनेगा पाकिस्तान। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इन दिनों हलचल मची हुई है। चीनी दौरे से लौटे सूबे के वजीर आजम इमरान खान गुलामी की सौगात लेकर आए हैं। कहते हैं चीनी सामान की तरह चीन भी भरोसेमंद नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान है जो कि अपने इस दोस्त पर आंख मूंद कर इस कदर विश्वास करता है कि अब उसका गुलाम बनने को तैयार हो गया है। अभी तक तो पाकिस्तान में सड़क से लेकर पुल, इमारतें और बंदरगाह सब मेड इन चाइना होता जा रहा था, लेकिन अब देश की करेंसी भी मेड इन चाइना में विलीन होने वाली है। खजाना खाली है, रुपया गिर चुका है, और ऐसे में शातिर चीन है जिसने पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाने के लिए एक नया प्लान बनाया है। आर्थिक गलियारे के बहाने सबसे पहले अपने 5 लाख चीनी नागरिकों को बसाने की मंशा जताई, और अब पाकिस्तान में चीनी करेंसी चलाने जा रहा है। अपने चीनी दौरे में इमरान खान ने दोनों देशों के बीच कई समझौते किए, जिसके चलते एक तरफ जहां 10 अरब डॉलर चीन से मांग कर लाए, तो वहीं दोनों देशों के बीच अब व्यापार भी डॉलर के बजाय चीनी करेंसी युआन में होगी। इसकी जानकारी खुद इमरान सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने दी। जो हमारे यहाँ नौकरियां पैदा होंगी, नए इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे उनके लिए, और फिर एक बहुत ही तारीखी माहिदा जो साइन हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन की जो तजारत है आपस में, वो डॉलर के बजाय युआन में होगी, जो चाइना की करेंसी है। तो चीन ने तो अपनी करेंसी का जाल फेंक दिया है, जिसमें इमरान खान की सरकार फंस गई है। पहले से ही पाकिस्तान चीन के कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा था, और अब तो पूरी तरह से बहुत जल्द उसका गुलाम बन जाएगा।